हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। एंड द टुडे टॉपिक इज अवर दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैन्यूर एंड द फर्टिलाइज़र। इन लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किसके बारे में? मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बारे में, कि इनका यूज कहाँ पर आता है, क्यों हम इनका यूज करते हैं, बेसिकली इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। और आज हम इनके डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैन्यूर जो होता है वो नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है, नेचुरल सब्सटेंस से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें काउ डंग या केटल वेस्ट आता है और प्लांट वेस्ट आते हैं, उनके डीकम्पोजिशन से आपको क्या मिलता है? मैन्यूर मिलता है। फर्टिलाइज़र इज़ ए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। मैन्यूर को प्रिपेयर किया जाता है कहाँ पर? फील्ड में, मोस्टली फील्ड में। और जबकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं, इट इज़ सिंथिसाइज इन द फैक्ट्रीज फ्रॉम द केमिकल्स, इट इम्प्रूव द क्वालिटी। ओके, मैन्यूर का जो थर्ड पॉइंट है वो है इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द सोइल एज इट प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट टू द सोइल। तो जो आपका मैन्यूर होता है वो सोइल की क्वालिटी और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, साथ में सोइल की जो ह्यूमस होती है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है या उसके अमाउंट को भी इंक्रीज करता है। ह्यूमस को आप जानते हो बहुत अच्छे से कि ह्यूमस क्या होता है। सोइल की अपर लेयर में जो ब्लैक कलर की जो आपको मटेरियल मिलता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ह्यूमस के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रिएंट से फुल होता है। तो अगर किसी सोइल की ह्यूमस ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बहुत अच्छी आपको क्या मिलेगी, क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगी। जबकि जो फर्टिलाइज़र होते हैं, इट इज़ नॉट प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सोइल, ये सोइल को किसी प्रकार से ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। मैन्योर इट रिस्टोर द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ द सोइल, जबकि फर्टिलाइज़र होते हैं वो इट डज़ नॉट हेल्प इन द वाटर रिटेंशन बाय द सोइल। तो क्या होता है वाटर रिटेंशन, यानी कि जो पानी होता है उसको क्या करना, होल्ड करके रखना, पकड़ने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, मिट्टी वाटर को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकती है, तो मैन्यूर उस चीज़ को इंक्रीज करता है, जबकि फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं करता है, बहुत कम करता है, ठीक है। मैन्यूर अगर आपने किसी फील्ड में डाला है तो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब जो होगा प्लांट से वो बहुत स्लोली स्लोली करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, सॉरी, जो मैन्यूर जो होता है वो बहुत स्लोली स्लोली क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है प्लांट से, जबकि आपका जो फर्टिलाइज़र होता है वो रैपिडली एब्जॉर्ब किया जाता है किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। तो मैन्यूर को स्लो स्लो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट और फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी से होता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट मैन्यूर में तो ये होता है कि मैन्यूर की अमाउंट क्या होती है, लगातार बनी रहती है, इससे न्यूट्रिएंट भी फील्ड में बना रहता है। लेकिन फर्टिलाइज़र से क्या होता है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो फिर से इनके जो न्यूट्रिएंट की अमाउंट होती है वो सॉइल में रिड्यूस हो जाती है, तो और ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ बल्की, सो इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी। अब इसका कुछ डीमेरिट भी है जो इसके डिफरेंस में आता है, ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि होता है और इस वजह से इसको ट्रांसपोर्टेशन करना इतना आसान नहीं होता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनको बैग्स में आसानी से फिल करके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी स्टोर इन ए हाउस, मैन्यूर को आप हाउस में स्टोर नहीं कर सकते, फर्टिलाइज़र इट कैन बी स्टोर इन ए हाउस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज़ फाउंड स्लोली बाय द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। तो जो मैन्यूर होते हैं वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते, उसका रीज़न क्या है, इनकी बनने की प्रोसेस बहुत स्लोली होती है, क्योंकि डीकम्पोजिशन होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते। जबकि आपके ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, और इनको रैपिडली बहुत जल्दी से क्या किया जा सकता है, फैक्ट्री में प्रिपेयर भी किया जा सकता है या किया जाता है। मैन्यूर इट इज़ नीडेड इन द लार्ज क्वान्टिटी, फील्ड के अंदर मैन्यूर की जो अमाउंट हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हमें देनी पड़ती है उस फील्ड के अंदर मैन्यूर की, कंपेयर टू द फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इट इज़ नीडेड इन द लेस क्वान्टिटी, मैन्यूर इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रियट, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रियट लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड द पोटेशियम। अब आप कहोगे सर, जब मैन्यूर में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते नहीं है तो हम फिर मैन्यूर को अच्छा क्यों मानते हैं, फर्टिलाइज़र इतना अच्छा क्यों नहीं है? तो मैं बता देता हूँ, मैन्यूर बिल्कुल उसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं, लेकिन वो सोइल की न्यूट्रिएंट को धीरे धीरे रिच करती जाती है, बढ़ाती जाती है। जबकि फर्टिलाइज़र आपके क्या होते हैं कि आप जैसे जैसे उसको डालोगे, सोइल की फर्टिलिटी और ज़्यादा लूज होती जाएगी उससे, ओके। तो भले ही ये मैन्यूर में न्यूट्रिएंट कम होते हैं, लेकिन ये सोइल की
धीरे 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 फर्टिलिटी को इंक्रीज ही करते हैं, डिक्रीज नहीं करते। ओके, तो ये तो हमारा था मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस। अब हजार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनके ड्रॉबैक हो सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं फर्टिलाइजर का यूज़ करने से। मैन्यूर के यूज करने से आपको कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ना तो नेचर के लेवल पर होगा, ना ही प्लांट को उतना हार्म होगा, ना ही हमें होगा। सो द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर हैज़ ब्रॉट अबाउट द सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज द वीट, मेज एंड द राइस। द कंटिन्यूस यूज हैज़ द मेड द सोइल लेस फर्टाइल एंड हैज़ आल्सो कॉज द वाटर पोल्यूशन। अब देखो, आप इनका यूज़ करोगे कि इनका फर्टिलाइजर का, तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन तो अच्छा मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान देखो क्या है कि इससे आपकी जो सोइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। और जो फर्टिलाइजर, कई सारे ऐसे फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं जो क्या होते हैं, ईजिली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, जिससे वो वाटर को भी क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं वहाँ की जो। और अच्छा, एक तो इस तरीके से वो पोल्यूटेड कर देते हैं कि आपको ये 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाते हैं और वहाँ पर जो एल्गी वगैरह होती है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो खैर, ये आपके हाई लेवल की बात है, तो आप इसको सिंपल से वर्ड में ये समझ लेना कि एक तो सोइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है टाइम टू टाइम, और साथ में ये वाटर में डिजोल्व होकर वाटर को भी क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं, लेकिन ये पोल्यूशन करने का तरीका दूसरा होता है। ओके, तो ये इसके हजार्ड है या ड्रॉबैक है फर्टिलाइजर के, मैन्यूर के नहीं होते हैं। अब एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मैन्यूर्स, मैन्यूर को यूज करने का हमें क्या बेनिफिट है। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल, दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, दे मेक द सोइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस इन द सोइल इम्प्रूव। तो ये क्या कर देते हैं, सोइल में पोर्स बना देते हैं जिससे ईजिली क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा इंक्रीज द एरेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ सोइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवर्म एंड द माइक्रोब्स। तो इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये हाउस प्रोवाइड करवाते हैं मैन्यूर, या इन सिंपल से टर्म में जो सोइल होती है उसके अंदर जो रहने वाले वर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं अगर आप मैन्यूर का यूज करते हो तो, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट अच्छा होता है तो वो इजीली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उस सोइल को और ज़्यादा फर्टाइल कर देते हैं। तो ये आपको मैन्यूर को यूज करने के बेनिफिट यहाँ पर दिए हैं, और फर्टिलाइज़र का ड्रॉबैक या हजार्ड दिए हुए हैं, यानी कि इसका नुकसान क्या है। अब हम एक और मेथड पढ़ते हैं, क्रॉप रोटेशन। देखो, हमने मिक्स क्रॉपिंग पढ़ा था या मिक्स क्रॉप पढ़ा था जो कि एक नेचुरल तरीका होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था फॉलोइंग मेथड पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, अपने आप लीव कर देते हैं हम लैंड को और वो अपने आप क्या हो जाती है, हील हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट अपने आप आ जाते हैं। अगर ये तरीके यूज नहीं करते तो हम मैन्यूर और फर्टिलाइज़र भी करते हैं, लेकिन इनके अलावा एक और तरीका है जिसका नाम है क्रॉप रोटेशन। अब देखो, मैं आपको पहले क्रॉप रोटेशन समझाने से पहले कुछ एक चीज़ और समझाता हूँ कि मान लो मैं साल भर साल एक ही टाइप की क्या लगा रहा हूँ, फसल लगा रहा हूँ, मान लो वीट, गेहूँ, और वो क्या करती है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और पोटेशियम को एब्जॉर्ब नहीं करती। नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और पोटेशियम को एब्जॉर्ब नहीं करती, मान लो। तो मैं अगर कंटिन्यू वीट का क्या करता रहूँगा, कल्टीवेशन करता रहूँगा, तो सोइल में से किसकी अमाउंट कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की कम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें नाइट्रोजन बचेगी नहीं और वहाँ पर फिर वीट की क्रॉप नहीं लगेगी, लेकिन उसमें पोटेशियम उतने ही ज़्यादा अमाउंट में बना रहेगा। तो उससे नुकसान क्या होगा, अगर आप सेम टाइप की फसल लगा रहे हो, क्रॉप लगा रहे हो, तो वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप का जो वो फसल न्यूट्रिएंट यूज करती है वो वहाँ से क्या होता जाएगा, लगातार रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन आप क्रॉप को क्या करते जा रहे हो, रोटेशन करके, मतलब अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सीजन में लगा रहे हो, तो उससे बेनिफिट मिलेगा कि एक साथ जो न्यूट्रिएंट होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, आपने मान लिया पहले ऐसी फसल लगाई जो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करती है, अगली को ऐसा लगाया जो पोटेशियम करती है, नेक्स्ट ऐसा लगाया जो किसको करती है, अमोनिया को अब्जॉर्ब करती है, तो इससे क्या होगा कि इनकी अमाउंट भी कॉन्स्टेंट बनी रहेगी और साथ में जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्रॉप रोटेशन होती है उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं ताकि सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे। सो द अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सोइल विद द न्यूट्रिएंट इज़ बाय द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोविंग द डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। ठीक है, तो एक ही फील्ड पर अगर आप एक निश्चित टाइम के बाद, देखो अलग अलग लगाना, साथ में नहीं, साथ में तो मिक्स आ जाएगी। पहले मैंने 3 महीने वीट की लगाई, फिर अगले 3 महीने क्या लगाया, मैंने कॉटन लगाया, फिर मान लो मैंने ग्राम लगाया, तो क्रॉप रोटेट कर रहे हो आप अल्टरनेटली एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, तो उसको हम क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द फार्मर ग्रो द क्रॉप लाइक द वीट और बार्ली इन द फर्स्ट ईयर, दिस इज़ फॉलो बाय द ग्रोविंग लेग्यूमिनस प्लांट लाइक द पी और सोयाबीन। तो वो एक साल में वीट या बार्ली को ग्रो करते, तो अगले साल क्या करते, पी या सोयाबीन को लगाते हैं। लिग्यूमिनस प्लांट हैज द रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल विद द नाइट्रोजन। जब वो लिग्यूमिनस यानी कि वो पी या सोयाबीन लगाते हैं, तो वो प्लांट वापस से सोइल के अंदर नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, वापस से मिक्स कर देते हैं, और वीट प्लांट नाइट्रोजन को लेते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू वीट लगाओगे तो नाइट्रोजन गायब हो जाएगी। तो अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपने एक साल वीट लगाई तो उसको नाइट्रोजन मिल गया, अगले साल आपने पी को लगाया तो जो नाइट्रोजन की कमी हुई थी उसको पी प्लांट ने वापस से क्या कर दिया, उसको भर दिया। तो अगले साल आप वापस से वीट लगाओगे तो उसको क्या मिल जाएगा, नेसेसरी अमाउंट में नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन भी अच्छा मेथड है अगर आप चाहते हो कि आपकी सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे। ओके, नाउ द हाउ लेग्यूमिनी प्लांट्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। तो लेग्यूमिनी प्लांट कैसे फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं सोइल की, मैं बताता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उन प्लांट्स की रूट में क्या मिलती है, नोड्स या गांठें मिलती है, जो कि आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में। ओके, अब इन नोड्स में क्या होते हैं, इनमें बैक्टीरिया मिलते हैं। ये बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते हैं, बैक्टीरिया दोनों टाइप के होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी एंड बैड बैक्टीरिया भी। ये वाले गुड बैक्टीरिया होते हैं और ये क्या करते हैं, ये वो जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन होती है, देखो प्लांट सीधे नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, हमारे एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन होती है, तो उसको या प्लांट क्या होते डायरेक्ट ले नहीं सकते, उसको चेंज करना पड़ता है। उसको चेंज करने के मेथड होते हैं, एक तो अपने आप होता है, वो कैसे होता है, जब थंडरस्टॉर्म आते हैं लाइट स्ट्राइक करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है और फिर वो रेनफॉल के थ्रू नीचे आती है और इसको प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि इन रूट की नोड्स में मिलते हैं, वो डायरेक्ट वो नाइट्रोजन को लेते हैं और उस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और फिर वो बदली हुई नाइट्रोजन को प्लांट जो होते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब बदले में इन बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट होता है, तो इन बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिल जाता है और खाने के लिए भोजन ये जो प्लांट होते हैं वो प्रोवाइड करवा देते हैं और इन प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो कुछ इस मेथड से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सोइल के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। तो बेसिकली प्लांट नहीं, इनके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया ये वाला काम करते हैं। सिल्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नॉन टू बी द प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनी प्लांट। तो कई अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में मिलते हैं। ऑन द रूट्स द बैक्टीरिया डेवलप नोड्यूल कॉल्ड द रूट नोड्यूल्स। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उन रूट्स की नोड्यूल्स में या गांठों में क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जिनको रूट नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं। द बैक्टीरिया लिव इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपने 7th क्लास में ही पढ़ा है और आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। इसमें दो प्लांट दो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो साथ साथ रहते हैं लाइफ टाइम साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, रहने के लिए जगह और फूड मिल रहा है, तो बदले में बैक्टीरिया उसको प्लांट को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है। तो दोनों को ही क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो इस प्रकार के हम रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो आपका बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहता है प्लांट के अंदर रूट्स में। ठीक है, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड हेल्प टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। द नाइट्रोजन सो फिक्स कैन बी यूज बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम द सोइल। एक बार जब इन नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया जाता है, देन उसके बाद में प्लांट की रूट इनको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेती है। दिस इज़ हाउ द फर्टिलिटी ऑफ सोइल इज इंक्रीज बाय द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इस प्रकार जो ये प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, ये क्या करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द कंपाउंड्स या अदर नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कैन बी यूज बाय द प्लांट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सन। देखो प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं अदर कंपाउंड में, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस चेंज करने की प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सन के नाम से इसको जानते हैं, इस वाली प्रोसेस को, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करना, अदर कंपाउंड में बदलना, और फिर उस वो प्लांट उस नाइट्रोजन कंपाउंड को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करने की प्रोसेस को ही हम नाइट्रोजन फिक्सन के नाम से जानते हैं।
सो ये था आज हमारा कुछ लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में और डिफरेंस, एंड इसके अलावा हमने पढ़ा आज क्रॉप रोटेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन के ऊपर। इरिगेशन क्या होता है तो आप जानते हो, वैसे तो बहुत सिंपल सा होता है इरिगेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इरिगेशन के ऊपर पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो।